ये पोकेमोन की आर्क का थर्ड पार्ट है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि इससे पहले वाले एपिसोड आप पहले देखें। एपिसोड की स्टार्टिंग में लिली डायरी लिख रही होती है और बताती है कि वे सिल्वर लाई को कैसे भूल गई। सिल्वर लाई ने मेरी जान बचाई थी इस बार भी और पिछली बार भी, पर मैं से क्यों डरती थी, मैं इसका एहसान मंद मानती हूँ। और इतर पैराडाइज में यहाँ ये तीनों बातें कर रही होती हैं, जहाँ लुसिन बताती है और रिग्रेट कर रही होती है कि लास्ट टाइम भी फावा था जिसे मैं समझ नहीं पाई थी, जिसके कारण लिली को काफ़ी कुछ सहना पड़ा था। और ग्लैडियन की बातें में वो काफ़ी चुभ रही थी कि मैं कैसी मोम हूँ। इसके बाद वो सब इसे दिलासा देती हैं और बताती हैं कि फावा को हम अभी तक नहीं ढूंढ पाए हैं, हमने उसको हर जगह तलाश लिया, उसके घर पे भी गए थे लेकिन फावा को आता पता नहीं है। और यहाँ स्कूल में लिली सभी पोकेमोन को टच कर रही होती है, एक एक करके चाहे कितने पोकेमोन आते जाए, इनसे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। जिसके बाद लिटन पे झटपटा मार देती है, बल्कि लिटन को तो लोग पसंद भी नहीं है लेकिन फिर भी ये उसे पसंद करने लगी है। तब क्या ये बोलता है, तो अगर ऐसी बात है तो तुम इसको ट्राई करो, जाओ टर्निटर। टर्निटर को टच करने में भी बिल्कुल हिचकिचाती नहीं है, बल्कि उसके सेल को टच करने से वो ब्लास्ट हो जाता है। एक बड़े धमाके के बाद वो भी हंस रही होती है, यानी कि इसका डर पूरी तरह खत्म हो चुका है। फाबास रिवेंज। और इधर पैराडाइज में दोबारा लुसिन काम कर रही होती है, तभी वहाँ कोई आता है जो होता है ग्लैडियोर। वो पूछता है कि आपको फावा मिला है, लेकिन वो कहती है नहीं, तो चला जाने वाला होता है। तब वो कहती है ग्लैडियोर रुको, क्या मैं कुछ मिनट बात कर सकती हूँ, लेकिन वो मना कर देता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं फावा को ढूंढने वाला हूँ। तो वो कहती है ये टास्क क्यों ना तो हम पे छोड़ दो, लेकिन वो सुनता नहीं है और चला जाता है। और यहाँ प्रोफेसर स्कूल में जंपिंग रोप सिखा रहे होते हैं जिससे पोकेमोन ट्रेनर सिंक हो सकते हैं, उनका फोकस भी बढ़ेगा। जिसके बाद ऐसा पिकअप स्टार्ट करते हैं और यहाँ सब बातें कर रहे होते हैं कि इन का सिंक्रोनाइजेशन तो काफ़ी कमाल का रहता है हमेशा से, ये काफ़ी ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं जिसके कारण वो गिर जाते हैं। जिसके बाद ऐसा बोलता है अब की ओर मैं नेवी का जिक्र करने वाला हूँ, लेकिन नेवी है कहाँ। तब लिली बताती है एस देखो नेवी बैग में सो रहा है राउलेट के साथ, जहाँ फावा पेड़ के पीछे से इन्हें देख रहा होता है और अपने आप से बातें कर रहा होता है कि मैं लुसिन को दिखा दूंगा एक अल्ट्रा बीस्ट पोकेमोन को पकड़ के, जिसके बाद मेरी खोई हुई इज्जत वापस आ जाएगी। उसके लिए मुझे अल्ट्रा वर्महोल खोलना होगा, जिसके लिए मुझे नेवी और प्रोफेसर बर्नेट की उस मशीन की जरूरत पड़ेगी। फिर वो अजीब सा डांस करता है और दिखाता है इलेक्ट्रिक कैचर को, जिसे वो नेवी को पकड़ सकता है। यहाँ लिली की बारी आती है जहाँ स्नोई इसका टीम वर्क कर रही होती है। इन दोनों के टीम वर्क को एंजॉय करते हुए देख के सभी के सभी पोकेमोन आ जाते हैं, रोई जंप करने लग जाते हैं, यहाँ के टर्निटर भी अच्छा जंप कर रहा होता है। जब फावा भेस बदल के जा रहा होता है तभी उसकी आवाज़ आ जाती है, जिसके बाद कियावे और एस पीछे मुड़ के देखते हैं, लेकिन वो एक्टिंग करने लग जाता है नेट से झाड़ू लगाने की। जिसके तो कहता है ऐसा काम नहीं बनेगा, मुझे प्लान बी यूज़ करना पड़ेगा। और यहाँ बारी आ जाती है कियावे और मैरोवैक की, जिसके बाद ये दोनों काफ़ी अच्छा कर रहे होते हैं। जिसके प्रोफेसर बोलते हैं अब हमें स्पीड बढ़ा देनी चाहिए, जिसके बाद ये हाई स्पीड में कर रहे होते हैं। तब फावा झाड़ियों के बीच में से स्टार कैंडी फेंकता है, जिसके जाल में नहीं फंस जाता है और स्टार कैंडी खाने आ जाता है। और यहाँ टीम रॉकेट मसाला डांस बेचने लगती है, लेकिन इस बार भी इन्हें कोई नहीं खरीद रहा होता। जेम्स काफ़ी उदास हो जाता है कि फावा को उसे ऐसे नहीं निकालना चाहिए था, लेकिन जैसे ही बोलती है दोबारा कह रहा है एक बार, तो वो कहता है ऐसा कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कह रहा था। फिर वो कहते हैं वो क्या है, फिर वो देखते हैं कि फावा नेवी को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। तब न्याउत कहता है कि ये प्रोटोकॉफिंग तो हमारा है और हमारा काम है इसे पकड़ना। तब जैसी कहती है उस घटिया आदमी को मैं ये नहीं ले आने दूंगी। जेम्स और न्याउत शौक हो जाते हैं क्या घटिया, लेकिन वो कहती है हाँ इस घटिया आदमी को मैं कुछ नहीं लेने दूंगी, वो हमारा काम है चोरी करना, तो चलो हम इसे चुराते हैं। जिसके बाद वो पकड़ने वाला ही होता है, जैसे वो नेट फेंकता है तभी वावा फैट उसके हाथ में आता है। ये कौन सा पोकेमोन है और ये रहे पिछली क्विज के विनर्स। और टीम रॉकेट नेवी को लेकर भागने लग जाती है, तभी वो टेलीपोर्ट हो जाती है अपने हेडक्वार्टर में, जहाँ पिछली बार की तरह बीवेयर के पास छोड़ के नेवी वापस आ जाता है। अब बारी होती है मेलो स्टीरी की, जो परफॉर्म कर रही होती है रोप जंपिंग को। यह फावा सोच में पड़ जाता है कि नेवी का टेलीपोर्टेशन की पावर है, मुझे इसे ऐसे नहीं पकड़ना चाहिए। जिसके बाद उसे प्यार में जाता है, तभी यह राउलेट की आँख खुल जाती है और वो पूरा शौक हो जाता है जब नेवी उसके पास नहीं दिखता है। ऐस पूछता है क्या हुआ राउलेट, फिर वो दिखाता है कि बैग में नेवी नहीं है। जिसके बाद यह फाबा उसे प्यार से पूछता है कि ऐस लिली ने कहा है कि तुम हमारी हेल्प करो एक अलग से काम के लिए, जिसके बाद नेवी मान जाता है। तब वहाँ ऐस के सभी दोस्त आते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ ऐस, तब वो बताता है कि नेवी यहाँ नहीं है। तो लाना बताती है वो देखो वहाँ पर है नेवी, लेकिन उतनी देर में वहाँ पर वो टेलीपोर्ट हो जाते हैं। ये इतने कम टाइम में होता है कि उन्हें नहीं पता लगता कि ये कौन है। ऐस के पूछने के बाद लिली बताती है मैं कंफर्म बता सकती हूँ कि वो फाबा ही है, क्योंकि नया फेस सिर्फ उनके लिए है, लेकिन लिली के लिए ये फैमिलियर फेस है जिसकी एक लुक से ही पता लग सकता है कि ये कौन सा ट्रेनर होगा। फावा का नाम सुनते ही ग्लैडियन वहाँ आता है और पूछता है तो फावा के साथ क्या हुआ है, तो वो बताते हैं कि फावा यहाँ पर आया था और नेवी के साथ कहीं टेलीपोर्ट हो गया है। ऐस पूछता है ग्लैडियन तुम्हें कुछ आइडिया है कि वो कहाँ गया होगा, तो वो कहता है मेरे अंदाजे से वो इसे पैराडाइज में कहीं गया होगा। तब ऐस कहता है हमें उधर जल्दी पहुँचना होगा। तो लिली कहती है एक मिनट रुको, अगर मैं मोम की वजह से जाना है
तो एकदम बेस्ट रास्ता है ये वाला, जिसके समय दिखाया जाता है कि होप से एक एरोप्लेन निकाल रही होती हैं, जो प्राइवेट जेट होता है जिसके विंग्स मुझे बिल्कुल भी खास नहीं लगी। तो ऐसा रेडी हो जाता है पिकाचू के साथ जाने के लिए। प्रोफेसर कहते हैं ज़्यादा अंदर मत जाना, लेकिन मेलो कहती है बिना ज़्यादा अंदर जाए हमें पता भी नहीं लगेगा कि क्या होने वाला है। जिसके बाद वो कहते हैं चलो ठीक है ऐसा समझा सकते हो। जिसके लिली कहती है मुझे भी जाना है, लेकिन ग्लैडियन मना कर देता है। और ऐस भी कहता है हाँ हम दोनों अपना ख्याल रख सकते हैं, लेकिन लिली थोड़ी तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन वो कहती है कि मुझे नेवी की उतनी परवाह जितनी कि बाकी सबको, तो मैं जाऊँगी। जिसके बाद लिली की आंखों में ट्रस्ट देखने के बाद ग्लैडियन से अलाउ करता है। भाई बाकी कंपेनियन क्यों नहीं आए यार, क्यों उन्हें नेवी की परवाह नहीं है। तो फाफा ऐसे पैराडाइज के अंदर हैक करके पहुँच जाता है वहाँ पर जहाँ मर्नेट की मशीन रखी हुई है। तब वो अपने आपसे बातें कर रहा होता है कि नेवी तुम्हें क्या पता लग रहा है मेरी एक्साइटमेंट कितनी ज़्यादा है, तो इस बॉक्स के अंदर आ जाओ। जैसे वो बॉक्स के अंदर जाता है वहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चालू हो जाती है जिसे वो टेलीपोर्ट नहीं कर पाएगा। और अब वो समन करने वाला है UB01 को, यानी कि इस वाले पोकेमोन को। फिर वो बोलता है कि अगर मैं सेम कोऑर्डिनेट यूज़ करूँ जिस तरह की मैंने पहले किए थे, और नेवी के ओरा के साथ उस अल्ट्रा बॉम को बड़ा किया जा सकता है जिससे वो पोकेमोन बाहर आ सकता है। लेकिन यार मुझे थोड़ा इरिटेट लगता है जब नेवी रो रहा होता है, ये काफ़ी यार बच्चे तरह रो रहा होता है और मुझे काफ़ी अजीब लगता है यार ये कैसे रो रहा है। और इसको यार तकलीफ दिखनी थी क्या फाफा को, यानी मुझे वो या हेडफुल लग रहा है क्योंकि इतना पत्थर दिल ट्रेनर मैंने आज तक नहीं देखा। मुझे लगता है पोल ज़्यादा पत्थर दिल है, लेकिन यार ये तो हल पा रहेगा। लेकिन पोल ने तो मेरी रिस्पेक्ट गेन कर ली और मेरा बेस्ट ट्राइवल बन चुका है, बेस्ट फेवरेट राइवल। मेरा राइवल नहीं है वो भाई लोग, सच में एक बार मैं रिकमेंड करूँगा कि नेवी का दर्द देखना एक बार किसी वीडियो में। ये काफ़ी जोर की चिल्ला रहा है और सच में यार आपको थोड़ा अजीब लगेगा कि बेबी पोकेमोन को तकलीफ देना कितना अजीब लगता है। यहाँ पर ये लिफ्ट से आ रहे होते हैं और ऐसा कुछ बता रहा होता है लुफिन को कि कैसे फाफा ने नेवी को चुरा लिया और वो कहीं चला गया। जिसके बाद ग्लैडियन बोलता है वो रेड एरिया में गया होगा। तब लुफिन कहती है क्या रेड एरिया, तो वो कहता है हाँ मुझे लगता है कि वो और अल्ट्रा बीस्ट को यहाँ लाने वाला है। तो वो सब हैरान हो जाते हैं क्या वो लाने वाला है, जिसे लिली डर जाती है और लुफिन उसे गले लगा लेती है। यहाँ वीक और बर्नेट बातें कर रही होती है कि रेड एरिया में कुछ गड़बड़ है जिससे स्पेस और टाइम में दिक्कत होने वाली है। तब हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर फाफा भी कोशिश करने में लगा हुआ है, वो कुछ टाइम में अब अल्ट्रा बॉम्बल खोलने वाला है। तभी लुस्मिन आ जाती है, वो कहता है लुस्मिन तुम सही समय पर आई हो, देखो मैंने अल्ट्रा बॉम्बल खोल दिया है। लेकिन वो कहती है अभी क्या भी रोक दो से, लेकिन ऐस कहता है बस बहुत हुआ, जिसके वो टैकल मार देता है। इसके बाद ऐस के लिए एक लाइक बनता है यार, उसने इसको थोड़ी देर सेट कर दिया है। लिली बताती है कि नेवी इस बॉक्स के अंदर है, जब वो उस बॉक्स को छूता है उसे झटका लगता है, जिसके सब हैरान हो जाते हैं कि अब अल्ट्रा बॉम्बल खुलने वाला है। तब लुस्मिन गुस्से में बोलती है अभी कभी तुम ये सब बंद कर दो, लेकिन वो कहता है ऐसा मैं क्यों करूँ, तुम्हें तो चाहती थी कि एक ऐसा अल्ट्रा बॉम्बल खुले। लेकिन वो कहती है मैं कभी भी लिली को खतरे में नहीं डालना चाहती, क्या तुम डालना चाहते हो दोबारा से। जिसके बाद वो थोड़ा घबरा जाता है। तब ग्लैडियन और ऐसा अपने वोकर को कमांड देते हैं, इसके बाद शैडो बॉल और एंटेल से वो ब्लॉक को तोड़ देते हैं जिससे वो अल्ट्रा बॉम्बल क्लोज हो जाता है और नेवी यहाँ से दोबारा आज़ाद हो जाता है। ऐसा उससे पूछता है कि नेवी तुम्हें लगी तो नहीं, तभी वो इवॉल्व होने लग जाता है। एवोल्यूशन के बाद नेवी का ओरा काफी बढ़ जाता है, जिसके बाद अल्ट्रा बॉम्बल दूर से खोलने लग जाता है। पूरा एवोल्यूशन होने के बाद ये सब बातें कर रही होती हैं कि ये तो ककून की तरह बन गया है, ये तो पहले से काफ़ी छोटा हो चुका है और रोटों के पास इसका भी कोई डेटा नहीं होता है। अब इसके ओरा के कारण अब पूरा अल्ट्रा बॉम्बल कम्प्लीट हो जाता है, जिसके बाद वहाँ से UB1 बाहर निकलता है। इसको देख के लिली काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और लुसन से गले लगा लेती है। इस पोकेमोन को देखने के बाद लुसन काफ़ी इंप्रेस हो जाती है। तब फाफा बोलता है लुस्मिन भूल मत मैं हूँ जिसने तुम्हारा ड्रीम पूरा किया है, जिसके वो काफ़ी गुस्सा करने लग जाती है। तब वो तारीफ करने लग जाता है उस अल्ट्रा बीस्ट पोकेमोन की और अपनी कि मैंने इतना कमाल का काम किया है, इतना प्यारा सा पोकेमोन बाहर निकाला है। तब लुस्मिन गुस्से में बोलती है फाफा तुम्हें अपनी आँखें खोलनी होगी, तुम्हें क्या दिखाई नहीं दे रहा। तब वो पोकेमोन उसके पास आता है, उसको एक स्लैप में ही साइड कर देता है और लिली की ओर बढ़ने लग जाता है। तब लुस्मिन क्लेफेबल का यूज़ करती है और डेजलिंग ग्लीम यूज़ करने को कहती है, लेकिन तभी उसे ब्लॉक कर लेता है, उसकी एनर्जी लेने लग जाता है जिसके कारण लुस्मिन को उसे वापस बुलाना पड़ जाता है। तब वो पोकेमोन डबल टीम यूज़ करता है, जिसके बाद ग्लैडियन कहता है मोम लिली का ख्याल रखना, चलिए वाला है मैं तुम्हें चुनता हूँ, यूज़ करो एयर स्लैश। जिसके बाद एयर स्लैश से अर्जा धमाका कर देता है। अर्जा धुआं होने के बाद एक पोजन टाइप मूव उसको आगे लगता है जिससे ये दोनों ही सेट हो जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये वेनस ओक होगा, आपको क्या लगता है ये कौन सा पोजन टाइप मूव होगा। इसके बाद पिकाचू को थंडर बोल्ट यूज़ करने को कहता है, लेकिन उसका असर से बिल्कुल भी नहीं होता है, बल्कि वो तो उसकी एनर्जी सोख के पिकाचू को स्लैप देता है, जिसके बाद ऐसे उसे बचा लेता है। अब लिली के पास जाने लग जाती है, तभी वो लुस्मिन उसको कवर कर लेती है और ग्लैडियन उसको उसके आगे उसके पोकेमोन आ जाते हैं। तभी वो ग्लैडियन को एक अटैक करने जा रही होती है और तभी लुस्मिन उसके बीच में आ जाती है और वो लुस्मिन को पकड़ के ले जाती है, जिसे देख के सब सोख हो जाते हैं और वो अल्ट्रा वॉर्म होल में वापस जा रही लगती है। लेकिन लुस्मिन स्माइल कर रही होती है, ये सब देख रहे होते हैं और वो धीरे धीरे चली जाती है और उसे कोई रोक नहीं पाता। ग्लैडियन थोड़ी कोशिश भी करता है, लेकिन बाकी सब तो कुछ कोशिश भी नहीं कर रहे थे क्योंकि ये इतनी जल्दी और अनएक्सपेक्टेड हुआ कि इन्हें पता भी नहीं लगा कि ये हुआ क्या।
तो उसका नेक्स्ट पार्ट अगर आपको संडे से पहले चाहिए तो सिर्फ 50 लाइक पूरे कर दीजिए, मैं उसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी ले आऊँगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस एपिसोड के बारे में। तो मुझे इस एपिसोड में सबसे अच्छी चीज़ जो लगी वो थी एंडिंग, और स्टार्टिंग भी काफ़ी अच्छी थी क्योंकि ये आर्क का एक पार्ट है। पापा के बारे में ना जाते हुए भी हमें कुछ पता लगा कि पापा सिर्फ इसलिए जाता है क्योंकि साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट का दिमाग इससे भी काम करता है कि वो सिर्फ रिसर्च करना चाहते हैं, वो उनके परिणाम नहीं देखते कि उसके बाद क्या क्या हो सकता है। तो पापा का ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट मुझे थोड़ा अच्छा लगा, बाकी सबका एक्टर को अपना स्क्रीन टाइम भी मिला, और इसके अलावा सबसे कमाल की चीज़ तो मुझे ये लगी कि इस सीरीज़ का कंटेंट थोड़ा डार्क होने वाला है जो मुझे काफ़ी कमाल का लग रहा है। तो इसको मैं देना चाहूँगा 10 out of 9 रेटिंग। एक पॉइंट मैंने सिर्फ इसलिए काटा है कि यह हाई ट्रेनर को होना चाहिए था, ऐसे सभी दोस्तों को सिर्फ ऐसा अकेले क्यों लेके आया गया, ये भी समझ नहीं आता है कि यह भी इसके जितना वर्दी है। हमें पता है कि वो मेन कैरेक्टर है, और ये भी हम देख सकते हैं कि स्कूल पर खाली नहीं कर सकते सिर्फ एक छोटे काम के लिए, क्योंकि उन्हें थोड़ा पता था कि पापा क्या करने वाला है, उन्हें लगा सिर्फ पापा को देखने जा रहे हैं ये, लेकिन फिर भी चाहता था कि यहाँ पर किया भी आए